अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम राजा रजा फ्रॉम आज न्यूज़। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साद, जो कि फर्स्ट एड ट्रेनर हैं। आइए जानते हैं मोहम्मद साद से कि वो किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रजा, मैं ठीक। और आज यहाँ प्रोग्राम में आपको बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे जो इनवाइट किया। और बेसिकली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ और हमारी जो डिस्कशन यही है कि जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स, जो कि स्कूल्स में और कंपनीज़ में नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से कोई भी इंसिडेंट होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली मैं वही चीज़ इंट्रोड्यूस जो कर रहा हूँ और काफ़ी ट्रेनिंग्स हमने करवाई हैं इसी हवाले से कि लोगों को फर्स्ट एड बेसिक के हवाले से पता हो कि आया खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट आपके सामने होता है, तो एज अ लेमैन, मतलब कॉमन पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसकी फ़र्स्ट एड क्या है। और इसी तरह स्कूल्स में कोई भी इंजरी हो जाती है और उस हवाले से वहाँ पे फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं होते या वो फ़र्स्ट एड नहीं दे पाते, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। कोई अगर बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का हार्ट या फ्रैक्चर हो गया है या इनकेस ब्लीडिंग हो रही है, तो फ़र्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मीन्स उसकी फ़र्स्ट एड क्या होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा और जो हॉस्पिटल्स में देखा कि वो सिंपल एक हाथ पर कपड़ा रख के जो है वो हॉस्पिटल्स जाते हैं, हॉस्पिटल नियर नहीं होता, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो उसमें कितनी क्वान्टिटी जो है वो ब्लड की वो वेस्ट हो जाती है। और उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग्स करवाना, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रेनिंग्स मैं कंडक्ट कर चुका हूँ इस हवाले से। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, आया वो स्कूल्स हो, कंपनी हो, कोई ऑफिस के लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो इस पर मौजूद है आपके चैनल पे। तो और जितना भी ये ट्रेनिंग्स का होगा, ये इसमें कोई हम इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेते, ये लोगों के लिए फ़ीस अबिल्ला भी है ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और इनकेस ऑफ एमरजेंसी आप लोगों की हेल्प कर सकें। जी ठीक है साथ, आप हमें ये बताएं कि आपने अभी तक के कहाँ तक कहाँ अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। जिस तरह मैंने कुछ स्कूल्स में ट्रेनिंग करवाई है, और मैं बेसिकली एक पैरामेडिक हूँ, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने पैरामेडिक कोर्स किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा सिंध रेस्क्यू में मैंने अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू की एज़ अ पैरामेडिक। और लोगों को शौक़ था मेरा कि जो मैंने पढ़ा है वो लोगों को सिखाऊं, और अल्लाह का शुक्र है मैं कि लोगों को सिखाता आ रहा हूं। काफ़ी जो लोग हैं वो हमने ट्रेन किए, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आया है। जी व्यूअर्स, हमने जाना मोहम्मद साद से कि वो उनकी ट्रेनिंग। जी व्यूअर्स, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं राजा रजा, कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।